कांग्रेस ने नहीं जाना, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और 9 साल के अंदर 11,72,00,000 परिवारों को शौचालय देने का काम। मान्यवर, देश के बहुत बड़े तबके में और विशेषकर घर गरीब के घर में, दलित के घर में, आदिवासी के घर में, पिछड़े के घर में, झोंपड़पट्टी में शुद्ध पीने का पानी नहीं, फ्लोराइड युक्त पानी पीते थे, भरी जुवानी में बूढ़े हो जाते थे, बाल सफेद हो जाते थे, हड्डियां टेढ़ी हो जाती थी। मान्यवर, मोदी जी ने हर घर नल के माध्यम से 12.65 लाख करोड़, मतलब 12.65 करोड़ घरों में जल से नल पहुंचाने का काम समाप्त। मान्यवर, ये हमेशा बोलते हैं, अभी भी चुनाव में कहते हैं कि हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे। माननीय, मैं पूछना चाहता हूं, 10 साल में कितना कर्ज माफ करा भाई? 4 से 14 तक आप 10 साल रहे, कितना मार्च करा? 70,000 करोड़, ठीक है ना, 70,000 करोड़। इसमें से भी 35,000 करोड़ तो नीचे बाकी रह गया है, मगर चलो मान ही ले कि 70,000 करोड़ किया। हम किसी का कर्ज माफ करने में विश्वास नहीं करते हैं, उसको कर्ज ही न लेना पड़े ऐसी व्यवस्था। मान्यवर, इस देश के 14.5 करोड़ किसानों को 2,40,000 करोड़ रुपया इसके बैंक अकाउंट में डाला। अब देश के किसान तय करे कि एक और 70,000 करोड़ का कर्ज की लॉलीपॉप देने वाली यूपीए सरकार और एक बार सम्मान के साथ इसके घर में सम्मान के साथ इलेक्ट्रॉनिक तरीके से 2,40,000 करोड़। मान्यवर, आज मैं और स्पष्टता करना चाहता हूं, ये रेवड़ी नहीं है, ये रेवड़ी नहीं है। हमने ये करने से पहले एक सर्वे किया कि 2.5 एकड़ से कम जिसकी जोत है वो किसान को कितना खर्चा बेसिक खेती के काम के लिए आता है, क्योंकि वो तो मजदूर रखता नहीं है, स्वयं ही बेचारा मेहनत करता है, इरिगेशन, बीज और खाद का कितना खर्चा आता है। तो 2.5 एकड़ से कम जिसकी जोत है इसका खर्चा 6,000 आता है। मोदी जी ने 6,000 रुपया इसको दे दिया, भैया तुम ऋण ही मत। आपने तो एक बार किसान को ऋण मुक्त किया, मोदी जी ने पूरे जीवन के लिए उसको ऋण मुक्त करने का काम किया है। मान्यवर, इस देश में 50 करोड़ लोग ऐसे थे, करीब 60 करोड़ लोग जिनके घर में बीमारी आ जाए तो पिताजी की मृत्यु हो जाएगी इसका डर नहीं लगता था, इलाज का खर्च कितना आएगा इसका डर लगता था, और वो पूरा परिवार ऋण के बोझ के तले दब जाता था। मान्यवर, मोदी जी ने 50 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा माफ कर दिया। आज देश के किसी भी गरीब के घर में बीमारी आती तो 5 लाख तक का सारा इलाज, चाहे ऑपरेशन करना हो, चाहे दवाइयां देनी हो, चाहे टेस्ट कराना हो, वहां तक कि अस्पताल से घर जाने के रिक्शा के 200 रुपया भी हम दे रहे हैं, 5 लाख रुपया हर परिवार को। मान्यवर, जब हमने बैंक का अकाउंट खोलने की जनधन योजना लेकर आए तब मजाक उड़ाया जाता था, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हमारा कड़ा मजाक उड़ाया कि अकाउंट तो खोल दिया, अंदर क्या डालेगा जरा बोनी तो कराओ। नीतीश बाबू, आज मेरी बात सुन लीजिए, हमने 49,65,00,000 बैंक अकाउंट खोले जिसमें 2,00,000 करोड़ गरीबों के जमा है, और राज्य सरकार और केंद्र सरकार की 300 से ज्यादा योजनाओं का पैसा डीबीटी के माध्यम से जनधन अकाउंट में ट्रांसफर होता है। मगर साहब, ये जनधन योजना का क्यों विरोध कर रहे थे समझने जैसी बात है। एक बार
इस देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा था, जो यूपीए से ही थे, उन्होंने कहा था कि मैं दिल्ली से एक रुपया भेजता हूं 15 पैसे पहुंचते हैं। वो तो ठीक है, स्वीकृति की सच्चे आदमी थे, नए नए राजनीति में आए।